क्या नाम है बेटा आपका? आपको अनुराधा मिश्रा। कैसा लग रहा है आज घर पे बैठे हो आप? हमें आज घर पे बैठे हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो हमें संदेश मिला गया है कि हम सब लोगों को आज के दिन जनता कर्फ्यू का पालन करना है और हम सब लोग इसका पालन कर रहे हैं। ये जो कोरोना वायरस है ये एक दूसरे के छूने से जल्दी फैल रहा है और हमें लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी एक दूसरे के साथ अगर हम हाथ मिलाएंगे तो ये वायरस, अगर क्या पता उनको कुछ भी इस वायरस के लक्षण हो तो उससे ये वायरस हमें फैल सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो द्वारा हमें संदेश मिला गया है, हम सब लोग इसका पालन कर रहे हैं। आज संडे का दिन है तो हम सब बच्चे बाहर जाते थे, खेलते थे, लेकिन हम अभी वो भी नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि ये वायरस जो है बहुत डेंजर है। इसकी वजह से बहुत से नुकसान हो सकते हैं, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से और हमें एक दूसरे के छूने से वायरस ज़्यादा फैल रहा है। तो इस कारण हम आज जनता कर्फ्यू, जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमें संदेश मिला गया जनता कर्फ्यू का हमें पालन करना है और हम कर रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं। और सब लोगों से हम यही अपील करते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में बैठे रहें और जय श्री राम। मैं गोपाल लाल शर्मा गांव प्रगवाल से बोल रहा। जिहड़ा असें गी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संदेश मिलिया, असें उसका पूरा पूरा पालन किया। संदेश मिलने बाद असें अपने गांव महल्ले परिवार च और पूरे गांव च चर्चा की कि इसका पूरा पालन किया जा और सारे अज पूरे रोड जाने कि ट्रैफिक बंद रही है, दुकाना बंद रही है और सारे लोग अपने घरें में बैठे देना है और इस चीज़ के उपर पूरी कंट्रोल करा दें। जो कोरोना वायरस ये बीमारी फैली है इसकी रोक की जा, ये उपर अपने मास्क का इस्तेमाल करना, एक दूसरे साथी ना हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, कम से कम एक मीटर की दूरी पर गलबात करनी। ये पूरे संदेश अस पालन किए ने और मैं अपने बेल्ट फोर्स पुलिस CRP BSF आर्मी या जो सारे डॉक्टर साहबान लोग सारे कर्मचारी जो सफाई करते रहे, मैं उनका सारा बहुत बहुत धन्यवाद करना कि उन्हें साढ़े देश के लिए अपने आप की बड़ा स्ट्रगल करा देना, बड़े परेशान हो देना और मैं उनका शुक्रिया अदा करना। जय हिंद।